हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसलिए जो मैं ना बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है मेरा, और अभी मैं ना वीडियो बना रही थी, रील्स बना रही थी, उसमें तो रील्स के लिए रेडी हुई थी। ये साड़ी पहना तो बहुत दिनों बाद है मैंने चॉइस की है, और सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी की स्वेटिंग स्वेटिंग पूरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ख़राब हो रही है। पर फिर भी मैं थोड़ा सा बना कर रख रही थी, क्योंकि वीडियो का पेपर स्टार्ट होने वाला है, मैं उनको भी रील नहीं बनाऊँगी जब तक उसका पेपर एंड ना हो। 9 तारीख को, मतलब 9 अगस्त को ये जो पेपर है इसका एंड होगा, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूँगी, इसीलिए मैं स्टॉक में बना रही हूँ पूरा, ताकि 9 तक मैं पोस्ट करती रहूँ। सो फ्रेंड्स, पीयू आ गई थी, उसके बाद हमारे पड़ोस में ही पूजा था, सत्यनारायण का था और भजन कीर्तन था, तो हम वहाँ चले गए थे। और दोपहर का ये सारा काम निपटाने के बाद फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन के लिए मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम लोग बाहर आउटिंग का प्लान किए और हम सब जा रहे थे, और सब मिलकर जा रहे थे। आगे कॉलोनी के गेट में ऑटो मिल जाती है, वहाँ से शेयरिंग ऑटो में गए, और पहले इस रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे ना हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर यहाँ से हम निकल पड़े दोबारा से, और एक और रेस्टोरेंट है उसके बारे में काफ़ी सुना है, तो वहाँ जा रहे थे। और हमारे इस ग्रुप में और भी एक फ्रेंड है, एक दो फ्रेंड है जो मिसिंग है, वीडियो बना के पापा को भेजूंगी मैं। हाँ। बताऊंगी कि तुम तंग कर रही हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतना सोचने विचारने के बाद हमने फाइनली थाली ऑर्डर किया है, और ये मिनी थाली का क्वांटिटी आप देखो बहुत ज़्यादा था, मिनी थाली में भी हैवी हो गया था। पीहू और मैं तो खा लिए थे, इतना पेट भर गया था, पर पीहू पता है यहाँ पे गुस्सा क्यों हुई थी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा खाना था और अभी पिज़्ज़ा नहीं खिलाना चाहती थी मैं, तो मैं उसको यही समझा रही थी कि चलो मैं बाहर से जाते जाते तुम्हारे लिए पैक करा लूँगी, चौपाटी में हम रुकेंगे वहाँ से पैक करा लेंगे, अभी तुम थाली खाओ। तो पीहू मान गई, क्योंकि उसका फेवरेट था मटर पनीर, उसमें तो वो उसके साथ खा ली थी नान, और हम सब भी इंजॉय कर रहे थे। और रियली जब अपने आप क्लोज़ फ्रेंड के साथ इस तरीके से गैदरिंग करते हो तो बहुत मज़ा आता है, हमने बहुत इंजॉय किया, हम कब से मौका ढूंढ रहे थे कि हमें जाने का मौका मिले, और इस तरीके से, और फाइनली हमने गैदरिंग किया, इंजॉय किया, और आउटिंग कर मज़ा आ गया। और मज़ा आ गया क्योंकि ये है कि हाँ, थोड़ा पीहू परेशान की थी, बट इट्स ओके, बच्चे हैं, बच्चे तो तंग करते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे चौपाटी में, यहाँ पे पीहू के लिए मैं पिज़्ज़ा पैक करा रही थी, और बाकी भाभी लोग जो है वो, उनको भी अपने घर के लिए कुछ कुछ पैक कराना था। यहाँ पीहू और जतिन जो है उसका फ्रेंड, आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों, आइसक्रीम खाने के बाद और हमारा जो है चौपाटी से खा सब चीज़ करने के बाद घर आए, कोल्ड ड्रिंक भाभी ने ख़रीद लिया था, और बस घर आकर बस उनके घर में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पिया, और इसके बाद हमने घर गए, और इस तरीके से हमारा दिन बीता बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए, रियली बहुत मज़ा आ गया। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, और ये देखिए पीहू की चाय, और मैंने ग्लास में लिए भरकर, और ये मैंने मिक्सचर बनाया था, टोस्ट है, बिस्किट है, तो पहले हम ये खाते हैं, नाश्ते का भी पता नहीं है, तो चलिए पीहू को उठा लूँ मैं और करते हैं चाय से शुरुआत। ऐसे ही सो गई थी, कपड़ा जो चेंज नहीं की थी, घर आके इतनी थक गई थी कि सो गई थी, और जो ये है चाय टोस्ट खा रही है, मॉर्निंग की शुरुआत चाय टोस्ट से हो रही है सो के उठ के, है ना पीहू। अब देखते हैं क्या करती है, क्या नहीं करती है। कल तो इसने फ्रेंडशिप डे काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया, है ना, मज़ा आया कि नहीं, पिज़्ज़ा पार्टी हो गई, पनीर हो गया, नान हो गया, सारा चीज़ खूब इंजॉय किया। बढ़ फ्रेंडशिप डे आज है मेरा फ्रेंड के साथ। हाँ, अब कुछ फ्रेंड्स जो बच गए थे उनके साथ आज सेलिब्रेट करेगी, काफ़ी सच कार्ड बनाई है, थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको वो सारे कार्ड जो है, वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो मेरे दोस्त अभी देख रहे हैं आपको वो पहले से ही दिख जाएंगे सबके कार्ड जी, बस किसको बताना मत, अगर सारे जो कोई भी एक दो मेरे फ्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो चलिए पहले खा लेते हैं चाय टोस्ट खा ले, और मैं बिस्किट और मिक्सचर खा लूँ चाय के साथ, फिर मिलते हैं। पीहू जो है अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने वाली है, और पीहू ने कार्ड काफ़ी सबके लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर बना रही थी, 1 वीक पहले से ही तैयारी में लग गई थी, और सब आ गए हैं, अब इन लोग सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंडशिप डे। तो सबसे पहले पाखी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, क्यों पाखी
एक बार आके लौट चुकी थी फ्रेंडशिप डे के लिए, उसने लाया है। हाँ तो तो चलो पाखी सबसे पहले कोई बात नहीं, उसको इवनिंग में दे देना। चलो तो पहले कार्ड रख दो, अभी पहले कार्ड रखो, पहले पाखी काफी देर से फर्स्ट। कोई बात नहीं, अब तो सब कोई को देखना। राइट हैंड में, राइट हैंड में बांधो। हाँ हाँ ये है ना राइट। हाँ चलो तो से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सबको एक साथ बोलना ठीक है। हाँ तो चलो अब पीहू सबको कार्ड दो। हाँ उसका हटा के बाकी सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे तो बोलो सबको। सब अपना कार्ड शो कर दो, शो कर दो सब। अब सब लोग एक एक करके अपना थॉट पढ़ना गाइस। तो सबसे पहले माय टर्न। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, दिखाओ भी दे अपने कार्ड। नो मैटर थॉट तो बोल, थॉट आ गया। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज कीप अस टुगेदर। वाओ, टाइड टुगेदर। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब दिव्याची का पढ़ रही, बेचारे को पढ़ना नहीं आता। चलो ओके। आई लव माय फ्रेंड थॉट, आई मे ऑलवेज से इट बट विदाउट यू आई फील लॉस्ट। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब राधिका की बारी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थॉट, आवर फ्रेंडशिप इज द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ लव। हैप्पी फ्रेंडशिप। और ये ड्राइंग हमारे घर मुश्किल से बनाया। मुझे सबसे अच्छा ना इसका ये ड्राइंग लगी। चलो अब सही से बैठ जाओ, सबको भी फोटो खिंचाना है। चलो ऐसे नहीं बांधते हमारा जो है सारा काम निपट गया। पीहू के फ्रेंड्स भी चले गए, पीहू ने एंजॉय भी कर लिया, हाथ में बैंड भी बांध दिया है और अब फाइनली पढ़ाई में आ गई है क्योंकि इसकी चल रही है यूटी और पढ़ना बहुत जरूरी है। गाइस मेरी राइटिंग कैसी है? राइटिंग तो सुंदर है तुम्हारी। मैं आपको इसका बैंड तो दिखा दो तुम्हारा। ये जो है इसके बैंड है, कार्ड भी है। मेरे पास तो चार थे पर वो ना एक लड़की ने गलती कर दी और कोई बात नहीं तो उसने वापस ले लिया। कार्ड दिखा दूं? कार्ड दिखा देना। तो इसका जो है फोकस करो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं तो फ्रेंड लिखा है ऐसे तरीके से। तो इसका जो कार्ड है सब चीज है, इसने एंजॉय कर लिया है और हमने भी एंजॉय कर लिया, पीहू ने भी एंजॉय कर लिया और इसी के साथ हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हुए इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। और एंड करते करते इसे मैं पढ़ाने लगी हूँ, अब पढ़ा कर इसकी यूटी की तैयारी करवा देती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सभी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।